डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जाना इंडियन पेंटिंग का सोर्स कहाँ से हमें मिलता है और इंडियन मिनिएचर्स पेंटिंग क्या होते हैं, मिनिएचर्स पेंटिंग बेसिकली क्या होते हैं। मिनिएचर्स पेंटिंग्स के अलावे जो पांडुलिपि चित्र हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो क्या होते हैं, इसको सारे सभी को डिटेल्स में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। वीडियो में हम जानेंगे वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। द वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज ट्रीटेड मोर काइंडली बाई हिस्ट्री। तो ये अगर जैन पेंटिंग्स को देखा जाए तो काफ़ी काइंडली देखा जाता है इंडियन पेंटिंग के इतिहास में। इट फ्लोरिस्ट अंडर द पैट्रोनाइज ऑफ द जैन मर्चेंट्स। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जैन मर्चेंट्स और शिप बिल्डर्स ऑफ गुजरात हैं, वो इस पेंटिंग्स के, ये जो पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स हैं जो जैन पेंटिंग्स हैं, इनके संरक्षक थे। इट फ्लोरिस्ट इन्हीं के संरक्षक में फला फूला। फ्लोरिस्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द जैन मर्चेंट्स एंड शिप बिल्डर ऑफ गुजरात हुज वेल्थ अलाउड देम टू फिल द लाइब्रेरीज विथ सीक्रेट टेक्स्ट। उनका वेल्थ काफ़ी अच्छा था, जिसके वजह से, जिसके बदौलत ये जो पवित्र पुस्तकें थी वो लाइब्रेरी में रखी जा सकी। वेस्टर्न इंडियन स्कूल दैट डिपिक्ट्स जैन थीम जो है उसमें अधिकांशतः जैन थीम्स पे ही पेंटिंग्स बनती थी, जैन थीम्स पे ही पेंटिंग्स बनती थी। जो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होता था वो थीम था जैन थीम, इसलिए इसे जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना गया, जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना गया। जैन पेंटिंग ऑल्सो रिसीव्ड इम्पेटियस बिकॉज ऑफ शास्त्रदान, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ शास्त्रदान। ये जो कॉन्सेप्ट है शास्त्रदान का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था जैन पेंटिंग के लिए। ये जो भी, जो लोग भी डोनेट करते थे भंडाराज के लिए, भंडाराज लाइब्रेरीज को इसमें बोला जाता है। द एक्ट ऑफ डोनेटिंग इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स टू द मोनास्ट्री लाइब्रेरीज वॉज कॉल्ड भंडाराज, ठीक है। अमॉन्ग द मोस्ट वाइडली इलस्ट्रेटेड रिकोगनाइज टेक्स्ट इन द जैन ट्रेडिशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसमें कल्पसूत्र। कल्पसूत्र सबसे ज़्यादा पेंट किया गया और लिखा भी गया। रिलेटिंग इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ, अब कल्पसूत्र क्या है, तो कल्पसूत्र बेसिकली 24 तीर्थंकरस के बारे में है। इसमें क्या, कहाँ से है, बर्थ टू सेलिब्रेशन तक का स्टोरी दिया हुआ है। ये स्टोरी आर्टिस्ट को पेंट करके वो नैरेट करने में ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, इसलिए इसको काफ़ी इंटरेस्टिंगली पेंट किया गया। उसमें इंसिडेंट जो हैं उसी को सबसे ज़्यादा एलोबरेट किया गया, जैसे कॉन्सेप्शन, बर्थ, रिनन्सिएशन, इनलाइटमेंट, फर्स्ट डिस्कोर्स एंड शैलाइवेशन। ओके ग्रेट, यहाँ पेंटिंग देख सकते हैं, बर्थ ऑफ महावीर, कल्पसूत्र, ये कल्पसूत्र से ही लिया हुआ है। यहाँ पर टेक्स्ट है और इस में ब्लॉक में पेंटिंग्स बनी हुई हैं, सभी का स्पेस डिवाइडेड है। नेक्स्ट, अदर पॉपुलरली पेंटेड टेक्स्ट इज कालकाचार्य कथा। दूसरा जो है सबसे ज़्यादा पेंट किया गया वो कालकाचार्य कथा था। कालकाचार्य कथा नैरेट द स्टोरी ऑफ आचार्य, उस जैन धर्म में आचार्य थे कालका नाम से, वहीं एक मिशन पे गए थे जिसमें अपनी बहन को बचाने के लिए, किडनैप सिस्टर को, इसमें आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू हिज किडनैप सिस्टर जो कि जैन नन थी फ्रॉम एन एविल किंग। जैन्स गॉट दिस टेक्स्ट रिटन इन न्यूमरस कॉपीज। जैन धर्म में बहुत सारी कॉपियाज लिखी गई, दे वेर इलस्ट्रेटेड विथ पेंटिंग्स। दिस टेक्स मीन्स क्या, ये आपका कल्पसूत्र एंड कालकाचार्य कथा के। द पेंटिंग वुड बी डिवाइडेड इंटू सेक्शन, जो भी पेंटिंग है इसमें आप देख रहे हैं कि सेक्शन में डिवाइड किया गया है, पिक्चर स्टोरी को डिपिक्ट करने के लिए, और यहाँ पे टेक्स्ट आसानी से लिखा जा सके। द पेंटिंग वुड बी डिवाइडेड इंटू सेक्शंस विथ एलोकेटेड स्पेस, ओके, फॉर राइटिंग द टेक्स्ट एंड पेंटिंग, ओके। A small hole in the center was created for a string to pass through to attach the pieces together that were in turn protected with wooden covers called partlets, placed on top and bottom of the manuscript. Manuscript कब कहा जाता है, जब बहुत सारे पेंटिंग सेक्शंस आएंगे उसको अटैच कर दिया जाएगा और अटैच करके पार्टलीज से उसका कवर किया जाता था, पार्टली, बस बेसिकली ये। इस तरीके से ये पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे रहेंगे, इसमें होल किया जाएगा और इसको थ्रेड के थ्रू बांध दिया जाएगा।
ये पेंटिंग्स तिरसला 14 ड्रीम्स, कल्पसूत्र से, स्टोरी फ्रॉम कल्प स्टोरी पेंटिंग फ्रॉम कल्पसूत्र। अर्ली जेन पेंटिंग्स वेर ट्रेडिशनली डन ऑन पाम लीव्स बिफोर पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में पेपर का इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले जेन पेंटिंग ट्रेडिशनली पाम लीफ पे किए जाते थे। द अर्लीस्ट सर्वाइविंग पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया डेट्स बैक टू द 11th सेंचुरी। पुराने जो हैं 11th सेंचुरी के मिलते हैं, पाम लीफ पे ही बने हुए मैन्युस्क्रिप्ट हैं। द पाम लीव्स वेयर इफेक्टिवली ट्रीटेड बिफोर पेंटिंग। ट्रीटेड कहने का मतलब है कि पाम लीफ लीव्स जो थे उसको ट्रीटेड किया, उसको ठीक किया जाता था, उसको पेंटिंग के लिए तैयार किया जाता था कि उस पर पेंटिंग आसानी से हो सके। द राइटिंग वॉज एस्ट अपॉन द लीव विथ अ शार्प कैलीग्राफिक डिवाइस डिवाइस या टूल्स। कैलीग्राफिक जिसे टेक्स्ट लिखा जाता था वो शार्प होता था, जिससे उस पर आसानी से। इन पेंटिंग्स डेवलप्ड अ सिमेटिक एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज फॉर पेंटिंग, ऑफन डिवाइडिंग द स्पेस इन टू सेक्शन टू एकोमोडेट डिफरेंट इंसिडेंट। जिन पेंटिंग्स में बेसिकली वो स्पेस को, जो स्पेस होता था उसको डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के पीछे रीजन था कि स्टोरी बेस्ड पेंटिंग होती थी, तो सारे इंसिडेंट को एक दिखाने के लिए, इलस्ट्रेशन को दिखाने के लिए वो स्पेस डिवाइड करते थे। पेंटिंग्स में आप उसमें देखेंगे कि कोई भी पेंटिंग्स अगर उठाते हैं आप देखते हैं तो उसमें स्पेस देखने को मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया गया, ये स्पेस एक, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट किया गया है, वहाँ पे डिवाइड किया गया है। इसमें भी आप देख रहे हैं इसको राउंड सर्कल राउंड पोर्शन टाइप से बना के, यानी स्पेस हर जगह डिवाइड किया गया है। इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं यहाँ टेक्स्ट के लिए स्पेस दिया गया है। दूसरा चीज़ इस इनका इम्पोर्टेंस, फॉन्डनेस फॉर ब्राइट कलर्स एंड डीप इंटरेस्ट इन द डिपिक्शन ऑफ टेक्सटाइल पैटर्न्स। इन पेंटिंग्स में आप टेक्सटाइल पैटर्न्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे टेक्सटाइल पैटर्न यहाँ पे टेक्सटाइल है, और कलर में ब्राइट कलर्स, रेड, ब्लू, येलो, येलो की जगह पे आप देखेंगे गोल्डन कलर का यूज ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है इसमें। श्योर द इलस्ट्रेशन ऑन दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स आर इन अ स्टाइल ऑफ विग्रस डिस्टॉर्शन। लेकिन पेंटिंग्स में जो भी एनाटमी है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, डिस्टॉर्शंस है, पूरे प्रॉपर तरीके का आपको देखने को नहीं मिलता है कि एकदम परफेक्ट एनाटमी देखने को नहीं मिलेगी। वन फाइंड्स इन दिस स्टाइल एंड एग्जैग्रेशन ऑफ आइज, आइज का डिस्टॉर्शन है, ब्रेस्ट का डिस्टॉर्शन है, हिप्स जो जनरल है उससे इनलार्ज्ड है, इस तरीके को आपको देखने को मिलता है। फिगर्स आर फ्लैट, फिगर्स जो हैं फ्लैट दिखेंगे, थिननेस ऑफ फीचर्स एंड द फॉर द राइट ट्रडिंग इन टू स्पेस। दीज पेंटिंग्स वेयर लेविसली पेंटेड विथ प्रोफ्यूज यूज ऑफ गोल्ड, ज़्यादा मात्रा में गोल्ड एंड लैपिस लेजुली का उपयोग किया गया, इंडिकेटिंग द वेल्थ। ये जो गोल्ड का यूज करना मतलब इंडिकेट करता है वेल्थ का, या आप कितने ज़्यादा अमीर हैं, इस तरीके का दिखाने का प्रयास है इसमें गोल्ड का यूज करके। अ पीरियड ऑफ रफली 100 ईयर्स फ्रॉम अबाउट 1350 टू 1450, ये जो ईयर था, एक तरीके से कहा जाए तो ये जैन पेंटिंग के लिए गोल्डन पीरियड था। ये मोस्ट क्रिएटिव फेज फॉर जैन पेंटिंग्स। तो आपने देखा कि जैन पेंटिंग्स की शुरुआत कहाँ पे हुई और इसके संरक्षक कौन कौन से थे, कौन लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे, इन पेंटिंग्स में मेजर जो इनके जो सीक्रेट टेक्स्ट हैं उसमें मेजर सबसे ज़्यादा कल्पसूत्र का पेंटिंग किया गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे पाल शैली के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट स्टूडियो 2।